हेलो बच्चों, हाउ आर यू। होपफुली सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज हम आए हैं आपको अच्छे से थोड़ा सा टेंशन देने। टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है, कैसे नेमिंग करोगे। मेन तो यही बात है कि नॉमनक्लेचर, कैसे हम नेमिंग करते हो कंपाउंड्स की, सारे रूल्स पूरा डिटेल में बात करेंगे। कोई भी शंका नहीं रहेगी आपको इस कंसेप्ट के, को इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, एक बात याद रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ यहां खत्म नहीं हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ यहां खत्म नहीं हो जाएगी। कभी आप सोचो कि क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, ये चैप्टर पढ़ा और खत्म, इसको जरूरत नहीं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आप केमिस्ट्री रखोगे आगे प्लस टू में, फिर काम आएगी ये। प्लस टू में तो एक पूरी बुक आ जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अभी तो दो चैप्टर्स हैं आपके पास, एक ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमन कलेक्चर वाला, एक अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स वाला, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। प्लस टू में एक पूरी बुक आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके सारे चैप्टर्स ही इसके ऊपर बेस्ड होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ा और भूल गए, समझ रहे हो। इसको पूरा डिटेल में सीखना जरूरी है। और फिर बीएससी में जाओगे तो ऑर्गेनिक तो भरमार है। ओके, समझे बात। तो सिर्फ इसको याद या रट्टा मारने के कंसेप्ट से मत पढ़िए। इसका एक एक छोटी छोटी पॉइंट को नोट करेंगे और क्या वो कहाँ कहाँ काम आएगी उसको ध्यान में रखेंगे। अभी पढ़ लोगे तो प्लस टू बहुत आसानी से गुजर जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस टू वाली बहुत आसान लगेगी। तो अभी से सब कुछ काम छोड़कर पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, कॉपी पेन निकालें और नोट्स बनाने शुरू करें, ठीक है जी। तो पहली बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है, वो केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, केमिस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री आपने अभी तक पढ़ी, जो केमिस्ट्री आपने अभी तक पढ़ी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, और जो केमिस्ट्री अब पढ़ने लगे हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कैसे? देखो, क्लास 10th तो याद होगी, अभी ताज़ा ताज़ा 11th में आए हो तो क्लास 10th तो याद होगी। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4th सबको याद होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सही है। तो कार्बन का एक नया चैप्टर बनाने की क्या जरूरत थी? और किसी का तो चैप्टर नहीं आया, एल्यूमिनियम का नया चैप्टर नहीं आया, सल्फर का नहीं आया यार, है ना, और किसी का नहीं आया। कार्बन का इतना इंपॉर्टेंट क्यों? कार्बन का इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो कार्बन है उसके उसकी टेट्रावेलेंसी होती है। वो ज़्यादातर लोगों के साथ, ज़्यादातर एटम्स के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बहुत रिएक्शन होते हैं, बड़े ज़्यादा दुनिया भर के रिएक्शन करता है किसी के साथ भी। ज़्यादातर तो कार्बन और हाइड्रोजन बहुत रिएक्शन करते हैं। कार्बन की वैलेंसी फिल करने के लिए चार हाइड्रोजन आ जाते हैं, दो जितने भी कम पड़ेंगे हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे? कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की स्टडी, एंड इट्स कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ज़्यादातर क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड बनेंगे। बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब भी आते रहेंगे। बीच बीच में कुछ कुछ एक एक दो दो कंपाउंड इनके भी, एटम इनके भी लग जाएंगे तो भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाएंगे। ज़्यादातर आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा, इस बात को याद रखें। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या इनकी स्टडी हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्लस वन में इस चैप्टर का नाम है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या नॉमन क्लेचर, है ना। नॉमन क्लेचर ही हमारे लिए बड़ा जरूरी है। नॉमन क्लेचर मतलब कोई कंपाउंड दे दिया गया, उसका नाम बताओ। दो तरह के नाम होते हैं, एक आईयूपीएसी नेमिंग, एक होती है आईयूपीएसी नेमिंग, एक होता है उसका कॉमन नेम, एक होता है उसका कॉमन नेम। जैसे यार आपका नेम है, किसी का नाम है ना, कुछ भी रमेश, बट उसको प्यार से घर पे रामू बुलाते हो तो रामू उसका कॉमन नेम है, सब रामू रामू नाम से जानते हैं। बट उसको सारी बाकी स्कूल में, ऑफिस में, तो सब उसको रमेश के नाम से जानेंगे, सही है। ऐसे ही किसी भी कंपाउंड का नेम,
जो अलग अलग देशों में अलग अलग बोल सकते हैं उसको कॉमन नेम बोल दिया। बट IUPAC है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो बोलती है कि यार सारे देशों में एक कॉमन नेम होना चाहिए। कॉमन नेम मतलब ये वाला कॉमन नेम नहीं, एक ऐसा नेम जो स्टैंडर्ड हो, सबको पता चल जाए इसका नाम लेकर। तो उन्होंने सबके लिए रूल्स डिफाइन कर दिए कि इसका नाम ऐसे बनेगा, उसको बोलते हैं IUPAC नेमिंग। और कॉमन नेम तो उसका कॉमन नेम, जैसे हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल, सही है। फिर तुमने पढ़ा इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं, इथानोल प्रोपानोल, ना ऐसे बोलते हैं ना, या मिथानोल इथानोल, ऐसे ही ये IUPAC और कॉमन नेमिंग है। IUPAC और कॉमन नेमिंग में क्या फ़र्क होता है, कैसे IUPAC नेमिंग करते हैं और कैसे कॉमन नेमिंग करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पहले IUPAC की फुल फॉर्म किसको पता है? IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए, बट पता जरूर होनी चाहिए। इंटरनेशनल IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इतनी बातें करने के बाद हम चलते हैं नॉमन क्लेचर की तरफ, कि नॉमन क्लेचर में क्या क्या करेंगे। नॉमन क्लेचर करते हुए तीन बातों का ध्यान रखना है, नॉमन क्लेचर करते हुए तीन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, प्रीफिक्स। सेकंड होता है वर्ड रूट, बताता हूँ सारे के सारे, अभी सिर्फ लिखो वर्ड रूट। और थर्ड वन इज सफिक्स। सही है जी। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है जो किसी के नेम से पहले लगता हो, जो किसी नेम से पहले लगता हो वो प्रीफिक्स। जैसे आपका नेम है रमेश कुमार, तो रमेश से पहले लगेगा मिस्टर, तो मिस्टर इज अ प्रीफिक्स। रमेश के बाद लगेगा कुमार, तो कुमार इज अ सफिक्स, एंड रमेश इज द वर्ड रूट या मेन चेन बोलते हैं इसको, मेन चेन, समझे? ये मेन चेन है। ऐसे ही किसी भी कंपाउंड का नाम भी ऐसे लिया जाएगा, उसके पहले कुछ उसका इन्फॉर्मेशन लगेगी, फिर उसका मेन चेन लगेगी, मेन वर्ड रूट क्या है उसका, उसके पीछे उसका सरनेम लग जाएगा जिसको सफिक्स बोल दिया जाएगा, सही है। तो बारी बारी से एक एक चीज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी क्या 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 क्या, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, नहीं सबसे पहले सफिक्स करेंगे, चलो स्टार्ट नीचे से चलते हैं। सबसे पहला है सफिक्स। सफिक्स सफिक्स दो तरह के हो सकते हैं, सफिक्स दो तरह के हो सकते हैं। जैसे एक होता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। देखो सफिक्स लगता है वर्ड रूट के बाद, सफिक्स लगता है वर्ड रूट के बाद। एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है जी। जो प्राइमरी सफिक्स है, जो प्राइमरी सफिक्स है वो बताता है कि मेन चेन में कैसे कैसे कार्बन के बॉन्ड हैं, कैसे कार्बन के बॉन्ड है। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, जैसे एक मेन चेन है CCCC, तो उसमें कार्बन के बॉन्ड कैसे हैं सारी कार्बन्स के, तो कार्बन में सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो एल्केन यानी कि एन लग जाएगा, एंड में एन लग जाएगा। जैसे ये देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चार कार्बन तो बोलते हैं प्रॉप, टेंथ में पढ़ के आए होंगे ना प्रॉप, चार कार्बन तो बोलेंगे प्रॉप या ब्यूट, सोचो चार कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलेंगे या ब्यूट बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे चलो मान लो, तो प्रॉप एन या ब्यूट एन, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अगर अगर डबल बॉन्ड होता कहीं पर भी तो उसको बोलते एल्कीन, एल्कीन, प्रोपेन, ब्रूटीन, अब ये क्या बना पेंटीन, या ट्रिपल बॉन्ड होता तो एल्काइन, एल्काइन, सही है। ये है सेकेंड प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन एल्केन एल्काइन, सही है। सेकेंडरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स बनता है फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो किसी में भी, फंक्शनल ग्रुप भी आपने टेंथ क्लास में पढ़े हैं, अभी बताएंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े थे, फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं, OH, OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहल, या इसको ओल बोलते हैं, याद है,
और फिर और सी ओ ओ एच क्या ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको ओइक एसिड बोल देते हैं, सही है। ऐसे ही एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता था, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता था, अल, एल्डिहाइड, याद है, ऐसे ही याद है ना, याद है। तो ये एंड में लग जाएगा, मान लो जैसे देखो इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता ओ एच, देखो एग्जाम्पल्स लेंगे अभी डिटेल में, भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। तो इसका नाम क्या होता, तो इसका नाम होता कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन, पांच कार्बन, चलो डबल बॉन्ड हटा देते हैं, तो पेंट एन, सिंगल बॉन्ड तो एन, पेंट और एन, पांच कार्बन पेंट और एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड, और एन के बाद एक और सफिक्स लगेगा, वो सेकेंडरी सफिक्स होता है, पहले प्राइमरी सफिक्स लगता है फिर सेकेंडरी सफिक्स लगता है, अगर हो, अगर इसमें ओ एच ना होता तो पेंटेन बन जाता, अभी प्राइमरी तो लग चुका, अब सेकेंडरी के लिए एक और ओ एच, यानी कि एल्कोहल, एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, ओल, तो पेंटेन ओल, पेंटानोल बोल लेंगे, ई कट जाता है, ये डिटेल में बात करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक सेकेंडरी सफिक्स है, पहले प्राइमरी सफिक्स फिर सेकेंडरी सफिक्स, ओके। फिर बात करते हैं जी, फिर बात करते हैं, दूसरा है वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होता है कि यही अभी बात कर रहे हैं, कितने कार्बन है मेन चेन में, मेन चेन जो भी आपने ली है, जो भी मेन चेन है उसमें कितने कार्बन है, तो वो वर्ड रूट हो जाएगा। जैसे इसमें चार पांच कार्बन है तो पेंट, एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो इथ, तीन कार्बन है तो, तीन कार्बन को क्या बोलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉप, फिर ब्यूट, पांच का पेंट, हेक्स, छः का, सात का, सात का क्या होगा जी, हेप्ट, है ना, कहीं बोलते हैं सेप्ट, सेप्ट नहीं होता सात का, हेप्ट होता है, फिर ऑक्ट, फिर क्या आएगा, नॉन, फिर डेक, ठीक है जी, फिर 11 12 13 ऐसे चलते रहेंगे, 20 30, वैसे इतने काम नहीं आएंगे, डेक डुक तक आपका काम बन जाता है, बट फिर भी याद रखें। अच्छा 11 को याद रखें, इसको बोलते हैं अनडेक, 11 कार्बन हो तो अनडेक, 12 हो तो डोडेक, 13 हो तो ट्राईडेक, है ना, वैसे तो इतने काम नहीं आएंगे बट फिर भी याद रखेंगे। अच्छा 20 हो, अगर 20 को बोलेंगे आईकॉस, याद तो कर लो, याद करने में क्या जा रहा है, आईकॉस। 30 को बोलेंगे ट्रायाकॉन्ट, और 40 को बोलेंगे, 40 को क्या बोलेंगे जी, क्वाडकॉन्ट नहीं, टेट्राकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट, ये याद रखें, 10 तक आपका काम बन जाएगा, 10 से ज़्यादा आपके सिलेबस में मतलब क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम है। तो ये हुई मेन चेन, इसके बाद बात करते हैं जी इसकी जो है प्रीफिक्स, आगे क्या लगेगा, किसी के आगे क्या लगेगा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, तो अगला है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स तो ये होता है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है, उसके साथ, जैसे कि जैसे इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं मैं, ये इसके साथ एक और, साथ मेन चेन तो ये हुई मेन चेन, इसके साथ एक और इसका ब्रांच निकल आई, सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ब्रांचिस हैं इसकी, ब्रांचिस निकल रखी हो, तो सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है वो देखोगे, जैसे एक कार्बन तो मेथ हुआ, और सब्स्टिट्यूएंट के साथ आइल लग जाता है, मिथ आइल, दो कार्बन होते लो इस सब, ये पूरी चेन हो, ये सब्स्टिट्यूएंट होता तो दो कार्बन तो एथ, और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके साथ आइल लगेगा, ब्रांचिस है जो भी, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में, अगर ये हुए किसी मेन चेन के साथ निकल रहे हुए तो वो आगे लगेगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स, पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स, और पहले लगेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, पहले लगेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, समझ में आई बात, पक्का, ओके। फिर आता है जी प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है जी प्राइमरी प्रीफिक्स,
सफिक्स। अच्छा देखो, सेकेंडरी सफिक्स में और भी बहुत कुछ आ जाए, सेकेंडरी प्रीफिक्स में बड़े सारे ग्रुप्स आ सकते हैं। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे कोई भी आगे लग रखा हुआ ना, जैसे कोई भी ग्रुप हुआ, जैसे इसके साथ मैंने कोई सब्सिड्यूएंट लगा दिया, ये Cl, इसके साथ लगा दिया F, तो ये एक तरह से प्रीफिक्स है, इसका नाम पहले लगेगा क्योंकि एज ए सब्सिट्यूएंट लगेगा। कुछ भी हो सकता है, Cl लगा हुआ तो क्लोरो बोल देंगे ना, पहले नाम पड़े क्लोरो, जैसे इसका नाम पड़ जाएगा क्लोरो पेंटेन, बाकी हटा रहा हूँ मैं, है ना। F लगा हुआ तो फ्लोरो आइडो, सही है आइडो। या मैं बोलूँ, जैसे देखो जी, N3, तो ये हो गया एजो, एजो। कभी कभी ऐसा भी होगा N3 से N3 N3, और NO2, अच्छा NO2, ये हो जाएगा नाइट्रो, ये हो जाएगा नाइट्रो। नाइट्रो कभी कभी फंक्शनल ग्रुप भी होता है, बट अभी याद रखें, सही है। तो ये प्रीफिक्स पहले लगेंगे, सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद क्या लगेगा जी, सेकेंडरी के बाद लगता है जी प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी में क्या हो जाएगा, अगर ऐसे हुआ साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, अगर कोई साइक्लो कंपाउंड हुआ तो साइक्लो लग जाएगा, स्पायरो हुआ, स्पायरल हुआ तो स्पायरो लग जाएगा, ये प्राइमरी प्रीफिक्स है। ये कौन से प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, तो एक किसी का नाम कैसे लिखते हैं, एक बार नोट कर लो, किसी का नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको नोट करें कैसे। सबसे पहले आप लिखोगे, जी, इसको भी हटा देगा, इसको भी हटा देते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, सबसे पहले लिखोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स जो भी आएगा, फिर लिखोगे प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर लिखोगे वर्ड रूट, फिर लिखोगे जी, फिर लिखोगे प्राइमरी सफिक्स, और फिर लिखोगे सेकेंडरी सफिक्स। ऐसे किसी का नाम दोगे, अगर इनमें से कोई नहीं हुआ, जैसे किसी का सेकेंडरी सफिक्स साइक्लो है ही नहीं, तो सेकेंडरी या प्राइमरी है ही नहीं, तो प्राइमरी को नहीं लिखोगे, बाकी लिख दोगे। जो मिस हुआ उसको नहीं लिखोगे, जो हुआ तो उसको इस सीरीज में फॉलो करते रहोगे और नाम लिखते रहोगे। समझ में आई ना बात, इसको लिखते रहोगे और नाम चलता जाएगा, आगे आगे बढ़ते जाएंगे और नाम नेमिंग होती जाएगी। ओके ओके, अब बात करते हैं कि ये तो बड़ा आसान था सर, तो नाम कैसे करेंगे, देखो देखो, बिल्कुल आसान से स्टार्टिंग करते हैं, रूल्स लिखेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए, सही है। जैसे जैसे देखो कैसे नेमिंग करेंगे, देखो ये 2 3 4 5, ठीक है, इसका नेम बताओ, तो आप बोलोगे जी इसका नेम क्या होगा, इसके साथ हाइड्रोजन लग, अगर कुछ नहीं लग रखा तो हाइड्रोजन लग रखे होंगे, कुछ नहीं दे रखा तो हाइड्रोजन लगाना सीखो, उसके साथ हाइड्रोजन लगा दो और कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दो, कार्बन की चार चार वैलेंसी हर कार्बन की पूरी कर दो, देखो पूरी हो रही है तो पूरी कर दो। तो इसका नाम पूछा जाएगा, तो नाम बोलोगे आप कि 5 कार्बन मेन पेंट और सबके साथ एक बॉन्ड, तो पेंट एन, सही है, तो पेंट एन। बट मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर एक और कार्बन लगा देता हूं, तो क्या करोगे, देखो, तो सबसे पहला रूल लिखो, सबसे पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन कार्बन चेन उठाओ जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हुए, और वो चेन स्ट्रेट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे देखो 1 2 3 4 5, और ये देखो चेन ये भी बनेगी 1 2 3 4, स्ट्रेट नहीं है कोई बात नहीं, 4, और इधर से भी 1 2 3 4 कोई, तो उसमें से 4 बन रहे, तो स्ट्रेट, यही स्ट्रेट वाली चेन ही लॉन्गेस्ट हुई, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट ना भी हो तो चलेगी। तो सबसे लंबी चेन कितनी हुई, जी 5 कार्बन वाली, तो लिखोगे पेंट, और एन, अगर ये कार्बन ना होता, मैं बोल रहा हूं अब, तो ये कार्बन भी आ गया, मतलब ये एक और सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट क्या है जी, मिथ, और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके साथ लगेंगे आइल, क्योंकि ये एक कार्बन है तो मैथ, और सब्स्टिट्यूएंट है तो लगाएंगे आइल, तो इसका नाम बना मेथाइल प्रोपेन, पेंटेन सॉरी। अब क्या ये नाम सही है, नहीं ये नाम सही नहीं है, क्यों, एक बात समझो, अगर ये कार्बन मैं यहां से उठाकर यहां पर लगा देता और यहाँ एच होता मान लो, तो इसका नाम क्या, तो भी बोलते हैं कि एक कार्बन तो मेथ और आइल पेंटेन, कहीं भी कार्बन लगा दो तो मेथाइल पेंटेन बनेगा, तो डिफरेंस क्या हुआ,
तो डिफरेंस के लिए दूसरा रूल ये है कि नेमिंग इनकी नंबरिंग करो, मेन चेन की जो मेन चेन आई ऐसी नंबरिंग करो कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, जिस कार्बन के पास सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिले, उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो देखो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन, 4 नंबर मिला 5, इधर से करेंगे तो 1 2 तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आया, तो इसका नाम हुआ 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आया 2 पे तो 2 मिथाइल और पेंटेन। अगर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर भी होता, मान लो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी कार्बन होता, तो क्या बोलते तो 2 3 तो इसको बोलते 2 मिथाइल 3 4 4 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेन, 2 पे भी मिथाइल है 4 पे मिथाइल। अब इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे 1 2 3 4 5, इधर भी 2 पे मिथाइल 3 पे 4 पे मिथाइल पेंटेन, जिधर मर्जी से करते तो बराबर आता। तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत नहीं है दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सही हैं। ये लिखोगे अच्छी बात है, ऐसे लिखो उसको, ऐसे में कन्वर्ट करो डाई मिथाइल पेंटेन, 2 2 2 और 4 पे डाई मिथाइल पेंटेन है, समझ में आई बात, 2 और 4 पे क्या है, दोनों पे मिथाइल मिथाइल है तो डाई मिथाइल। अच्छा अगर ऐसा हो जाता, अगर मैं ऐसा कर दूँ सी 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 और इस पे सी और सी और इस पे सी और सी और इस पे फिर सी, लॉन्गेस्ट चेन देखो कौन सी है, लॉन्गेस्ट चेन देखने से पता चल ये वाली होगी 1 2 3 4 5 6, सही है 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 वाली है, कोई दिक्कत नहीं, बट इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट आया और इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आए, समझो। अगर लॉन्गेस्ट चेन में टाई हो जाए, अगर लॉन्गेस्ट चेन में टाई हो जाए, दो दो लॉन्गेस्ट चेन बने बराबर बराबर, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 ये भी लॉन्गेस्ट चेन बनी, एक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है 1 2 3 4 5 6 ये भी लॉन्गेस्ट चेन बन रही, तो वो वाली लॉन्गेस्ट चेन लो जिसकी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी, जिसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हो। देखो ये अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन लेता हूँ, ये वाली अगर मैं ये वाली लॉन्गेस्ट चेन लेता हूँ तो इसकी एक ही ब्रांच निकली, ये वाली एक ही तो ब्रांच निकली इसकी, और अगर मैं ये लॉन्गेस्ट चेन लेता हूँ तो इसकी दो ब्रांचेस निकली, एक ये एक ये, तो ब्रांचेस किसकी ज़्यादा है, इस लॉन्गेस्ट चेन की, तो इसको लॉन्गेस्ट चेन मानो, इसको लॉन्गेस्ट चेन मानो, मान लिया। अब नंबरिंग करो कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, देखो इधर से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 3 4 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा, इधर से करेंगे तो 1 2 इसको 2 मिल जाएगा, उसको 3, तो लोएस्ट लोकेंड हुआ 2 तो 2 मान लेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, लोएस्ट लोकेंड की तरह 2, 2 पे कौन है, 2 पे कौन है मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन तो मिथाइल, फिर 3 2 3 ऐसे होगा ना, फिर 3 पे क्या है, दो कार्बन यानी कि एथ यानी कि एथ आइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, और पूरी मेन चेन का नाम एक, कितने कार्बन 6 कार्बन तो हेग्स और सिंगल बॉन्ड तो एन, तो हेग्स एन, समझ में आई बात, तो उसको बोलेंगे हेग्स एन, पक्की बात है, चलें जी आगे। ओके तीसरा रूल समझ में आया, पहला रूल ये है कि सबसे लंबी कार्बन कार्बन की चेन निकालो, दूसरी बात ये है कि जो सबसे लंबी कार्बन कार्बन की चेन हुई वो स्ट्रेट चेन हो ये जरूरी नहीं है, तीसरी बात ये है कि कार्बन कार्बन चेन निकालने के बाद अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग दो उसकी, और सब्स्टिट्यूएंट को ताकि सब्स्टिट्यूएंट को या ब्रांचेस को लोएस्ट नंबर मिल जाए, सही है, कभी कभी लोएस्ट ब्रांचेस या लॉन्गेस्ट चेन बराबर हो जाएगी, 2-3 लॉन्गेस्ट चेन मिलेंगी, तो वो वाली लॉन्गेस्ट चेन ले लो जिसकी ब्रांचेस ज़्यादा हो या जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। अगर 3 लॉन्गेस्ट चेन बनी, 3 में से एक के पास एक ब्रांच है, 2 के पास 2-2 ब्रांचेस हैं, तो उन दोनों में से कोई ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, अगर ब्रांचेस भी सेम हो, लॉन्गेस्ट चेन भी सेम हो तो कोई उठा लो, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, सही है जी, पक्का। ओके चलें आगे, ठीक है जी, अगला टॉपिक करते हैं हम आगे। अगर ऐसा हो जाए मान लो जैसे एग्जांपल एक मिनट, एक एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला सी 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 सी, इस पे कार्बन, इसके कार्बन, इस पे सिक्स, सही है, इसका नेम बताओ जरा, क्या नाम होगा, लॉन्गेस्ट चेन देखो कैसे बनी, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6
इस पे कितने, 1 2 3 4, तो 1 2 3, और इस पे 1 2 3 4 5 6, इस पे भी, और 1 2 3, कोई भी ले लो, तो इसको लेंगे हम स्टेट वाले को, सही है। और नंबरिंग ऐसा करो कि लोएस्ट लोकेंट मिले, तो लोएस्ट लोकेंट कैसे मिलेगा, इधर से लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो लोएस्ट लोकेंट इसको मिला 2, पर अगर इधर से चलते तो भी लोएस्ट लोकेंट 1 2 3 4 5 और 6, तो भी देखो इधर से चले ब्लैक से चले तो लोकेंट आया 2 पे, और 2 पे 2 है तो 2 पे और 1 5 पे, सही है, 2 पे 2 सब्सिट्यूएंट है, इधर से चलेंगे तो आया 2 पे और 5 पे और 5 पे, देखो ब्लू पेन से जो कर रखा है वो ये इस नंबर पे सब्सिट्यूएंट आए, और रेड ब्लैक वाला इसे 2 2 और 5 पे आए, तो नाम क्या होगा, देखो नाम तो यही होगा, इस पे भी मिथाइल, इस पे भी मिथाइल, इस पे भी मिथाइल, सब पे मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 2 5 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, और मेन चेन कितनी है, हेक्सेन, हेक्सेन, और ये भी हो जाएगा 2 5 5 ट्राई मिथाइल और हेक्सेन। बात ये है कि कौन सा सही होगा, कौन सा सही आंसर होगा, तो इस बात को समझने के लिए एक आंसर आता है, उसको बोलते हैं लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल। अगर पता ना चले तो देखो पहला पहला नंबर तो सेम, लोएस्ट लोकेंट तो सब दोनों को मिल रहा है, इधर से करो तो भी 2, उधर से करो तो भी 2, तो क्या करो, तो लोएस्ट सम रूल लगा लो, जो भी ये लोएंट लोकेंट आए इनको ऐड करो, 2 5 5 12, 2 2 5 9, तो जिसका लोएस्ट सम होगा वो आंसर होगा, तो आंसर इज दिस, तो आंसर इज दिस लोएस्ट सम रूल। अगर पहला पहला बराबर हो तो सही है, अगर पहला पहला बराबर हो तो, अगर यहाँ पर 3 होता, 3 5 5 इधर 2 2, तो ये जीत जाता, तो लोएस्ट सम करने की जरूरत ही नहीं थी, समझ रहे हो, मतलब अगर मान लो इसमें 1 पे ही होता, इस पे 1 पे ही होता, मान लो इस पे 1 पे ही होता, उस पे 2 पे होता, तो अब लोएस्ट सम नहीं लगाना, अब तो पहला नंबर जीत गया तो ये जीत गया, तो इसका नाम ये सही होता, अब लोएस्ट मत करने लग जाना कि 9 बना 11 बना, तो वो जीत जाता, बात तभी बन जानी थी, ओके समझ आई बात, पक्की बात है, तो इसको बोलते हैं लोएस्ट सम रूल, ओके पक्का, उसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, पहले पॉइंट पे ही जीत गया ये, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, आगे कुछ भी हो, अरे सबसे लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए सबसे स्टूडेंट को, ये मिल गया, आगे ज़्यादा पे हो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, सही है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल अलग हो, मतलब पहला पहला पॉइंट दोनों सेम सेम हो और पता ना चले कौन सा लेना है, तो लोएस्ट सम रूल लगाओ और मजे करो, सही है, ओके जी चलें आगे, ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ मार्कर, ठीक है जी, तो एक देखो, ये देखो 1 2 3 4, ज़्यादा बड़ा बन गया ना, छोटा कर देते हैं, 1 2 3 4, इस पे और इस पे लो, इसका नाम ये क्या होती है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, जहाँ जहाँ पहाड़ है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है जंक्शन, वहाँ पर कार्बन लगा होता है, मतलब लगाना सीखो है इसको, तो ना यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर, और यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन लग जाएगा जितनी जितनी उसको वैलेंसी चाहिए, जैसे इसके साथ सी, इसके साथ 3 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इसके साथ एक इधर, एक इसके साथ 2 लगेंगे, इसके साथ 3 और इसके साथ 1, ना 4 वैलेंसी पूरी करनी, इसके साथ 2, इसके साथ 1 2 3, तो 1, तो इसके साथ 2, इसके साथ 3, इसके साथ 3, इसके साथ 2 और इसके साथ 3, ये तो लगाना सीख लेना यार, है ना, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, इसका नेमिंग बताओ, लॉन्गेस्ट चेन उठाओ जो तो देखने से लगी रहा है ये वाली होगी, टुम 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 टुम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे 2 सब्सिट्यूएंट, 1 इस पे, 1 इस पे, नंबरिंग दे दो उसको, 1 2 3, 3 पे 4 5 पे सब्सिट्यूएंट, सही है, तो इसका नाम क्या होगा, 3 3 पे 1 कार्बन तो मेथ आइल, और 5 पे 2 कार्बन तो एथ आइल, और मेन हुआ नॉन, और एक ही बॉन्ड है तो नॉन एन, इतना समझेंगे होंगे, क्या ये नाम सही है, सर बिल्कुल सही है, मैं बोलता हूँ ये नाम है गलत, बिल्कुल गलत, क्यों, जब ऐसा हो जाए सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली रखो, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो नाम सही होगा, जैसे मिथ से पहले, एम से पहले इथ ई आता है, तो उसका नाम हुआ 5-ethyl 3-methyl और नोनेन, इस बात को याद रखें, तो इसका नाम हुआ ये,
5 मिथाइल 3 मिथाइल नोनेन, समझ आई बात। अल्फाबेटिकल पहले रखेंगे, अल्फाबेटिकल ही रखेंगे, ओके। जैसे इसको करो, फिर मार्कर भी ख़त्म होने वाला है। देखो देखो, सी 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 सी, यहाँ रखो क्लोरो, यहाँ रखो ब्रोमो, यहाँ रखो आइडो। लो, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। मेन चेन तो कार्बन कार्बन वाली एक ही है, क्लोरो ब्रोमो आइडो को मेन चेन मत मानना। तो मेन चेन ये रही, नंबरिंग दे दो। लोएस्ट लोकन कहाँ शुरू होगा, यहाँ से, 1, 2, 3, 4, कोई बात नहीं, लोएस्ट लोकन मिला, सही है। अब इसका नाम दो, अब इसका नाम दो। तो इसका नाम हुआ 1 आइडो, आई से आइडो, 2 क्लोरो और 3 ब्रोमो और 4 हुआ तो ब्यूट एन, सही है, ब्यूट एन। बट ये नाम गलत है, मैं बोल रहा हूँ सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकली रखो। तो इसका नाम हुआ 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 आइडो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 आइडो ब्यूट एन, ये नाम इसका ज़्यादा सही है। ये गलत है, इस बात को समझो तभी बात आगे समझ में आएगी, ओके। होपफुली समझ में आया होगा काफ़ी कुछ, अगर नहीं आया तो थोड़ी सी मेहनत करें, बुक उठाएं, उसको समझने की कोशिश करें, तभी समझ में आएगा, सही है। एक दो क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, खुद करेंगे। देखो 1, 2, इसका नाम बताओ। सर इसका नाम तो स्वस्तिक है, अरे स्वस्तिक तो है, इसका हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम बताइए। अरे जहाँ जहाँ जंक्शन है वहाँ वहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ 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 यहाँ, और एक इसका नाम बताओ। जुम 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 जुम, और इसको जोड़ दो। लो जी, इन दोनों के नाम बताओगे मुझे, कमेंट करोगे दोनों के आंसर। जो इसका आंसर सही कमेंट में करेगा उसको एक फ्री गिफ्ट मिलेगा, छोटा सा गिफ्ट वाउचर हमारी तरफ से, ठीक है। उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा कि इस महापुरुष ने या इस महापुरुष ने या महा स्त्री ने, है ना, महा स्त्री ने इसका सही जवाब दिया है। तो उसका नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर हाईलाइट करेंगे कमेंट के साथ, ठीक है, और उसको एक छोटा सा गिफ्ट वाउचर हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो जल्दी से इन दोनों का नाम कमेंट करें, ठीक, कमेंट में लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, ठीक है जी। तो आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ही, अगले लेक्चर में लेकर आएंगे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अभी तो सिंपल सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के, तो अगले में पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर हो जाएं तो क्या है, फिर साइक्लोस्पायरो, धीरे 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 छोटे छोटे लेक्चर्स कर कर इन सबको बना देंगे और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देंगे। आपको किसी भी कोचिंग या वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे एक प्रॉमिस है, ठीक, ओके। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे ख़त्म, तब तक अगले लेक्चर तक आप करिए एंजॉय, खूब सारा पढ़िए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।